स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सीखे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको 20,000 के नीचे कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, कौन सा फ़ोन आपके लिए बेस्ट है और आप थोड़े और पैसे लगा के इस बेस्ट फ़ोन को ले सकते हैं या नहीं, क्या आपको इस फ़ोन के लिए वेट करना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ, तो ये फ़ोन है दोस्तों रियलमी X2। जी हाँ दोस्तों, रियलमी X2 कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और ये कमाल के फीचर्स दे रहा है काफ़ी अच्छे प्राइस में। कुछ लोगों को ये प्राइस थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए भी मैंने एक टिप बताया है, वो वीडियो के लास्ट में है, तो उस टिप को फॉलो करके आप ये फ़ोन ले सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे क्यों आखिर रियलमी X2 बाकी सारे फ़ोन में से अभी बेस्ट चल रहा है, और इसे साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करेंगे बाकी और फ़ोन से जो कि एक टाइम पहले वो बेस्ट थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं स्पेसिफिकेशन, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होंगे सारे स्पेसिफिकेशन, तो मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करते जाता हूँ, आपको बताते जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेसर आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ स्नैपड्रैगन 730G है, जो कि पहला फ़ोन है जो 20,000 के नीचे इस प्रोसेसर के साथ आया है। बाकी ये प्रोसेसर हमें देखने को मिला था रेडमी K20 में, तो वो 20,000 से ऊपर में ही था फ़ोन लॉन्च के टाइम। और बात करते हैं, और तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। और बाकी इसके कंपटीटर जैसे कि रेडमी नोट 8, उसमें नहीं दिया गया है सुपर एमोलेड, उसमें अभी भी फुल HD डिस्प्ले से काम चलाया जा रहा है, तो आने वाले टाइम में देखने को ज़रूर मिलेगा उसमें भी। तो फिलहाल बात करते हैं, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा और सामने में एक ड्यूल ड्रॉप नॉच देखने को मिलने वाली है, और उससे भी और अच्छा बात यह है दोस्तों कि उसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि इसे बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाती है। और बात करते हैं इसमें सिम स्लॉट की, जो कि आजकल मेन फैक्टर है। तो सिम स्लॉट आप यहां देखेंगे कि यहां ट्रिपल कार्ड स्लॉट सपोर्ट करता है, आप दो नैनो सिम लगा सकते हैं, और साथ में एक माइक्रो SD कार्ड लगाने का अलग से ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और बाकी सारे फ़ोन में, पहले के फ़ोन में ये मिसिंग रहता था। और आप बात करते हैं आगे, तो प्राइस आप लोग को पता ही होगा, तो उसे मैं अभी बताऊंगा तो लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और फ्रंट में बात करते हैं सेल्फ़ी की, तो सेल्फ़ी आजकल का मेन मुद्दा रहता है लोगों को फ़ोन लेते समय, तो इसमें तो रियलमी ने बाजी मार ली। तो फ्रंट में आपको पता ही होगा कि 32 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा दिया गया है, जिससे कि लाजवाब फ़ोटो आप ले सकते हैं। और बाकी सारे जो इसके कंपटीटर है वो अभी भी 20 मेगापिक्सल से काम चला रहे हैं, तो इसे बेस्ट बना देता है ये 32 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी। और जो सेल्फ़ी लवर्स है उसके लिए तो ये फ़ोन डेफिनेटली एक बेस्ट चॉइस रहेगी, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है दोस्तों, मैं आपको लास्ट में प्राइस भी बताता हूँ। अब बात करते हैं इसके रियर कैमरा के, तो यहाँ आप देख सकते हैं 32 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा में दिया गया है, और यहाँ 64 मेगापिक्सल जो कि बहुत ही शार्प फोटो लेता है दोस्तों, और ये 64 मेगापिक्सल आपको रियर में दिया गया है। और साथ में आपको चार कैमरा दिए गए हैं, एक 64 है, दूसरा 8, तीसरा 2 मेगापिक्सल और चौथा भी 2 मेगापिक्सल। तो आप लोग को जैसे पता ही है कि इनके काम क्या क्या है, तो 64 मेगापिक्सल जो है वो आपको लाजवाब फ़ोटो तो ला सकता ही है, साथ में डिटेलिंग भी एक नंबर आ सकती है। और 8 मेगापिक्सल का इसमें वाइड एंगल कैमरा दिया गया है, जो 116 डिग्री तक का वाइड एंगल का फ़ोटो ले सकता है, और इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ देखने को मिलेगा और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो शॉट देखने को मिलता है, जो कि आप लाजवाब फ़ोटो ले सकते हैं इससे, और काफ़ी इनोवेटिव फ़ोटो भी ले सकते हैं इन कैमरे का फीचर यूज़ करके, जो कि अच्छी बात है।
और आपको सीधा से बताते हैं इसके बैटरी लाइफ के बारे में। तो बैटरी आप यहाँ पता ही होगा जैसे कि वो है 4000 mAh की बैटरी। तो काफ़ी लोगों का कंप्लेन होगा कि ये बैटरी इतना कम क्यों दिया गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बैटरी बहुत ही अच्छा है और आपको बैटरी की कमी नहीं महसूस होगी। वो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, वो मैं बताता हूँ कि 4000 mAh बैटरी के साथ जो कॉम्बिनेशन दिया गया है प्रोसेसर, जो कि 730G है, वो बेस्ड है 7nm पे, जो कि बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। और साथ में आपको इसमें फास्ट चार्जर देखने को मिलता है 30 W का दोस्तों, जो कि बहुत ही जल्दी आपका फ़ोन चार्ज करके दे सकता है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि आपको क्या चीज़ का कमी है, आपको बैटरी से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि आपको एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर दिया गया है जो कि बाकी दूसरे कंपटीटर से काफ़ी अच्छा है। और साथ में आपको फास्ट चार्जर भी दिया गया है दोस्तों, जिससे आप अपना फ़ोन बहुत ही जल्दी चार्ज कर सकते हैं, बैटरी से कोई शिकायत नहीं होने वाली है दोस्तों। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका फ़ोन मोर देन 1 डे से ज़्यादा चलेगा और दौड़ेगा भी। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़ोन कितनी देर में चार्ज होता है। तो ये मोर देन एन आवर, 1 घंटे के ऊपर तक में ये चार्ज हो जाता है फुल्ली। और ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि आप इसे 0% से ही चार्ज में लगाएंगे, तो कुछ चार्ज या 20% पे आप लगाएंगे तो ये 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। तो नॉर्मली अब आप बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो काफ़ी लोग इससे इसके प्राइस से खुश नहीं हैं, क्योंकि ये थोड़ा महंगा आपको लग रहा है बाकी कंपटीटर से। बट आपको फीचर्स भी देखने चाहिए दोस्तों, फीचर्स आपको लाजवाब देखने को मिल रहा है, जो कि और कोई भी नहीं दे रहा है इस समय। मैं आपको बताता हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगा इसमें। एक तो बैटरी और उसके साथ चार्जर जो दिया गया है, प्रोसेसर अच्छा है, कैमरा दोनों अच्छा है, आगे और पीछे की तरफ रियर और फ्रंट कैमरा दोनों ही अच्छा है। और रियर कैमरा में आपको बताता हूँ, वीडियो क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छा है, और ख़ासकर जो एक फीचर्स दिया गया है बोके वीडियो, वो फीचर आप देख के जरूर इम्प्रेस हो जाएंगे इस फ़ोन से। वो जो आप, मैं बताता हूँ आपको बोके वीडियो की होता क्या है, जैसे पोर्ट्रेट फ़ोटो आप लेते हैं ना, उसी तरह सेम टू सेम होता है फोटो। अब पोर्ट्रेट वीडियो को ही हम लोग बोके वीडियो कहते हैं, पीछे ब्लर और सामने आप वीडियो ले सकते हैं, यही होता है दोस्तों। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं कह रहा था कि इसमें 32 MP का सेल्फी है, कैमरा बहुत ही अच्छा है दोनों फ्रंट और रियर, और बैटरी से भी मैं खुश हूँ और चार्जर से भी मैं खुश हूँ, और डिस्प्ले भी आपको अच्छा मिल रहा है, और बिल्ड क्वालिटी भी आपको अच्छी ही मिल रही है, और डिज़ाइन तो आपको पता ही है अच्छा ही है। तो दोस्तों मुझे तो ये फुल्ली लोडेड फ़ोन लग रहा है, और आपको क्या लग रहा है वो मुझे कमेंट में बता जरूर सकते हैं। और आप बात करते हैं प्राइस, तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएंट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कितने वेरिएंट है, यहाँ 4 GB RAM, 64 GB, 6 GB RAM, 128 GB, 8 GB RAM और 128 GB। तो ये 3 वेरिएंट के साथ ये लॉन्च हुआ है। अब बात करते हैं कलर है पर्पल, ब्लू, ग्रीन, वाइट। तो ये 3 कलर है, जो कि तीनों अच्छा कलर है। और आप देखते हैं प्राइस, तो ये है प्राइस, ये मैं फ़्लिपकार्ट का बता रहा हूँ अभी। तो फ्लिपकार्ट में ये अभी 17,000 में देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं 17,000 और ये कोई 6 GB RAM वाला 19,000 में देखने को मिल रहा है। और आपको बता देता हूँ एक और बात दोस्तों, कि आप अगर आपको ये प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा है, तो जो मुझे भी लग रहा है, तो आप वेट कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, क्योंकि आपको अगर आप रियलमी के सेल सब देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि रियलमी अपने फ़ोन के प्राइस बहुत ही कम कर देता है सेल के टाइम। इसका लाइव एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो रियलमी 3 और 3 प्रो फ़ोन लॉन्च हुआ था कुछ 14-15 हज़ार के रेंज में, और सेल के टाइम वो बिक रहा था 9-10 हज़ार रुपये में। तो आपको इससे समझ में आ गया होगा कि रियलमी के फ़ोन्स कितनी कम प्राइस में सेल में आते हैं। तो ये मुझे गट फीलिंग मेरी यही कह रही है दोस्तों कि ये रियलमी X2
बहुत ही जल्द प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये अभी न्यू लॉन्च हुआ है फ़ोन दोस्तों, तो कोई भी कंपनी इतनी जल्दी इसके प्राइस ड्रॉप नहीं करती है। जैसे ही रियलमी का कोई नया फ़ोन आता है इसका भी प्राइस ड्रॉप हो जाएगा, तब आप इसे ले सकते हैं, बस कुछ दिन का वेट कर लीजिए। ये मेरे तरफ से आप लोगों के लिए एक प्रो टिप्स, ठीक है दोस्तों। अब सब कुछ तो मैंने बोल दिया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये फ़ोन आपके लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है दोस्तों, रियलमी। और रियलमी ने ये भी कहा है कि वो कुछ दिन में मार्च में आपको अपना रियलमी यूआई देंगे, अब जो उनका खुद का यूआई होगा, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल आपको मिल रहा है वो है ओप्पो कंपनी का यूआई, तो आने वाले टाइम में आपको मिलने वाला है रियलमी का खुद का यूआई, तो ये भी बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया डिटेल में दोस्तों, और आप इसे ले सकते हैं। अगर आपको फ़ोन उससे भी अच्छा है, कुछ पैसे लगाएंगे दोस्तों, तो आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी इसमें, जो कि इन डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है दोस्तों। तो मेरे तरफ से तो यही एडवाइस रहेगी आप लोगों के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, और इसी तरह और वीडियो के लिए इस चैनल को जो सब्सक्राइब करके रख दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।